थैंक यू और बस जैसे ही फोन आता है मैं बैंक पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ कमीशन का पैसा कैश लेके जाऊंगा। चलिए ठीक है चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जहीर भाई, बहुत सही मौके पे आए आप। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। ओहो किस खुशी में भाई? मेरा लोन पास हो गया है। क्या हुआ जहीर भाई? तुम्हें बैंक से लोन नहीं लेना चाहिए था। जहीर भाई मैंने कारोबार के लिए लोन लिया है और बैंक को सिर्फ और सिर्फ अपने एक पार्टनर की तरह इस्तेमाल करना चाहता हूँ। किस काम का वो कारोबार जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाए? मतलब ये देखो, सूदी कारोबार हराम है, गुनाहे कबीरा है, मलऊन है वो शख्स जो सूदी कारोबार में मुलव्विस है या लोगों को मुलव्विस करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बंदे पर लानत की है जो सूद खाता है, दूसरों को खिलाता है, या लेता है या देता है, यहां तक कि जो लिखता है वो भी अल्लाह की निगाह में मलऊन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 278 के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक्कुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वदरु मा बक़िया मिनर रिबा, और रिबा का जो हिस्सा बाकी रह गया, सूद का जो हिस्सा बाकी है उसे छोड़ दो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई मानो में ईमान वाले हो, फइन लम तफअलू, अगर तुम सूद खाने से, खिलाने से, लेने से, देने से, लिखने से, गवाही देने से बाज नहीं आते हो, फअदनु बिहरबिन मिनल्लाहि व रसूली, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इस हदीस को इमाम इब्न माजा ने अपनी किताब के अंदर बयान फरमाया है, अर्रेबा सबउन हुबन, रेबा की 70 से ज्यादा शाखें हैं, 70 से ज्यादा दर्जे हैं, 70 से ज्यादा किस्में हैं, ऐसरुहा अय्यन के हर रजुल उम्महू, सबसे कमतर दर्जा यह है कि जो सूद लेता है या देता है गोया कि वो अपनी मां के साथ जिना करता है। लीजिए। हेलो, अपने मैनेजर साहब से कहना मुझे लोन वो नहीं चाहिए। हाँ हाँ मैं अपने पूरे होश और हवास में बोल रहा हूं, आप मेरी लोन की फाइल कैंसिल कर दीजिए। वाह वाह, ये हुई ना बात, इस बात पे मुंह मीठा करो। शुक्रिया। नसीहा, हर बात दलील के साथ। क्या हुआ जहीर भाई? तुम्हें बैंक से लोन नहीं लेना चाहिए था। जहीर भाई मैंने कारोबार के लिए लोन लिया है और बैंक को सिर्फ और सिर्फ अपने एक पार्टनर की तरह इस्तेमाल करना चाहता हूँ। किस काम का वो कारोबार जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाए? मतलब ये देखो, सूदी कारोबार हराम है, गुनाहे कबीरा है, मलऊन है वो शख्स जो सूदी कारोबार में मुलव्विस है या लोगों को मुलव्विस करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर तुम सूद खाने से, खिलाने से, लेने से, देने से, लिखने से, गवाही देने से बाज नहीं आते हो, फअदनु बिहरबिन मिनल्लाहि व रसूली, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इस हदीस को इमाम इब्न माजा ने अपनी किताब के अंदर बयान फरमाया है, अर्रेबा सबउन हुबन, रेबा की 70 से ज्यादा शाखें हैं, 70 से ज्यादा दर्जे हैं, 70 से ज्यादा किस्में हैं, ऐसरुहा अय्यन के हर रजुल उम्महू,
سب سے کم تر درجہ تھینک یو اور بس جیسے ہی فون آتا ہے میں بینک پہنچ جاؤں گا ہاں ہاں کمیشن کا پیسہ کیش لے کے جاؤں گا چلیے ٹھیک ہے چل السلام علیکم وعلیکم السلام ظہیر بھائی بہت صحیح موقع پہ آئے آپ لیجیے منہ میٹھا کیجیے اوہو کس خوشی میں بھائی میرا لون پاس ہو گیا ہے یہ ہے کہ جو سود لیتا ہے یا دیتا ہے گویا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے لیجیے ہلو اپنے مینیجر صاحب سے کہنا مجھے لون وہ نہیں چاہیے ہاں ہاں میں اپنے پورے ہوش و حواس میں بول رہا ہوں آپ میری لون کی فائل کینسل کر دیجیے واہ واہ یہ ہوئی نا بات ایسے بندے پر لعنت کی ہے جو سود کھاتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے یا لیتا ہے یا دیتا ہے یہاں تک کہ جو لکھتا ہے وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ملعون ہے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ودروا ما بقی من الربا اور ربا کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے سود کا جو حصہ باقی ہے اسے چھوڑ دو ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی معنوں میں ایمان والے ہو فإن لم تفعلوا